दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी फोटो को पेंसिल आर्ट या स्केच में कैसे बदलें फोटोशॉप के अंतर्गत। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ उदाहरण दिखा देता हूँ। जैसे सामने ये टाइगर श्रॉफ की फोटोज दिख रही है और ये है प्रियंका चोपड़ा की। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने फोटोशॉप पर। तो हम फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं और फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। फोटो को सेलेक्ट करने के बाद ये फोटो हमारी सेलेक्ट हो गई है। अब हम क्या काम करेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है एक लेयर। अब इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल जे शॉर्टकट होता है, तो कंट्रोल जैसे हम शॉर्टकट क्रिएट, शॉर्टकट से लेयर ले लेते, तो लेयर बना लेते हैं इसका डुप्लीकेट एक प्रकार से, कंट्रोल जे और कंट्रोल जे। अब आपको यहाँ पे तीन लेयर दिख रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट करने का शॉर्टकट जो होता है वो कंट्रोल शिफ्ट यू होता है, तो हम कंट्रोल शिफ्ट यू दबाएंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं। फिर हम क्या काम करेंगे, यहाँ से फिर हम इन्वर्स करने के लिए कंट्रोल आई का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे लेयर के नीचे सामने आएंगे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जाने के बाद यहाँ से हम कलर डॉट भी चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको पूरा व्हाइट दिख रहा है, तो ये पिक्चर गायब नहीं हुई है बल्कि व्हाइट हो गया है। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे मीनू ऑप्शन में, ये फिल्टर मीनू में जाएंगे। फिल्टर मेनू में जाने के बाद ब्लर का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे गजियन ब्लर का, गजियन ब्लर पे जाने के बाद अब आपको अपने हिसाब से यहाँ से जो ब्लर का ऑप्शन है कुछ कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कम दिखाना है तो कम और ज़्यादा दिखाना है तो ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपको यहाँ पे चीज़ दिख रहा होगा, ये सब जो हेयर है, बाल जो है वो थोड़े वाइट दिख रहे हैं। इसके लिए हम क्या काम करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब हम यहाँ से ब्रश टूल को चूज कर लेते हैं। ब्रश टूल चूज करने के बाद ब्रश की साइज बढ़ाने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मोड में आएंगे और मोड को हम ओवरले चूज कर लेते हैं। ओवरले चूज करने के बाद ओपेसिटी को भी कुछ कम और ज़्यादा कर लेंगे, अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर लीजिएगा। इसके बाद ये जो कलर का ऑप्शन है, यहाँ पर जो होना चाहिए ब्लैक और यहाँ पर वाइट। इसके बाद हम क्या करते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा मुझे बाल को काला करना है, तो हम बस ऐसे इस पर थोड़ा सा क्लिक कर देंगे, ये बाल हमारा काला होता चला जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।